में जेल के अंदर खूनी गैंगवार, सिद्धू मूसेवाला के हत्यारोपी सहित दो की हत्या। पंजाब से बेहद सनसनीखेज समाचार सामने आ रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टरों में शामिल मनदीप तूफान, मनमोहन सिंह और केशव के बीच रविवार शाम खूनी झड़प हो गई, जिसमें गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन की मौत हो गई, जबकि गैंगस्टर केशव गंभीर रूप से घायल हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में तीनों आरोपी पंजाब की गोविंदवाल जेल में बंद थे। वहीं इन तीनों में झड़प हुई। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए केशव को पुलिस ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि केशव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाले के नाम से मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य सतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब खबर मिली है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो गैंगस्टरों मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह की गोविंदवाल साहिब जेल में हत्या कर दी गई है। मनदीप सिंह तूफान राय का रहने वाला था। गैंगस्टर मनदीप तूफान जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शार्प शूटर था, जिसे तरन तारण के थाना बोरेवाल के गांव कक से दबोचा गया था। डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लो ने बताया कि तीनों के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें दो गैंगस्टरों की मौत हो गई है, जबकि तीसरे गैंगस्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। भटिंडा निवासी केशव और बादलादा निवासी मनमोहन सिंह मोहना को सिविल अस्पताल तरन तारण में भर्ती कराया गया है, जहाँ मनमोहन सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जांच के बाद भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।